राजधानी रांची में आज सुबह सुबह थरपकना स्थित जो है यहाँ पर 4 से 5 दुकान में आग लगने की घटना की मामला सामने में आई है। इस वक्त भी आग बुझाई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से जो आग कितना भीषण था कि एक के बाद दूसरे दुकानों में आग लगती चली गई। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी तक भी जो है लगभग 2-3 घंटे के मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है और अभी भी आग बुझाने का कार्य जारी है। यहाँ पर स्थानीय लोग जमा है, जो दुकानदार हैं उनके जो स्थानीय निवासी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जरूर यहाँ पर आग बुझाने के लिए 2-2, 3-3 गाड़ियाँ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और स्थानीय पुलिस भी जो है यहाँ पर पहुँची हुई है। दुर्गा पूजा का समय है और वैसे में आप ये जो बड़ी घटना हुई है उसको लेकर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है आग दुकान में लगी है और कई हमारे ख्याल से लाखों रुपये का नुकसान जो है इस वक्त यहाँ पर हो चुके हैं। आप लोग फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या कहिएगा, कितना बड़ा आग था ये? सर आप सर लोग से ही बोलिए। तो देखिए फायर ब्रिगेड की टीम भी जो है 3-3 गाड़ियां आई हुई है और अभी भी आग पर काबू जो है पाने के लिए जो है मशक्कत से पानी की बौछार की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना भीषण आग था, कितना देर में काबू पा पाए आप लोग? 2 घंटा 3 घंटे 2-3 घंटे लग गए। अब बुझ चुका है बिल्कुल? हाँ बुझ गया है, अब पूरी तरीके से बुझ गया, पूरी तरीके से हो गया है। कितना का नुकसान मानते हैं अभी तो नहीं बता सकते। कितना 3 गाड़ी है फायर ब्रिगेड? देखिए ना क्या गाड़ी है, 3-3 गाड़ियों से देखिए इस वक्त 5 गाड़ी। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि 5 गाड़ियां से जो है आग बुझाने का कार्य की जा रही है और अभी भी आग बुझाने के लिए जो है मशक्कत की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची में आग लगने की बड़ी घटना जो है सामने आई है। देखिए इस वक्त भी जो है सामान जो है बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, जितने दुकानदार हैं वो मौजूद हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने रुपए का नुकसान आप लोग मान रहे हैं, भैया क्या चीज़ सामान सब था? दुकान नहीं पता भैया, नुकसान तो बहुत। क्या चीज़ का सामान सब था? क्या सब? गैस चूल्हा सब, होम अप्लायंस का पूरा सामान। इतना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर गैस चूल्हा में, अगर मान लीजिए इतनी बड़ी नुकसान हुई है तो क्या मान? उतना तो नहीं बता सकते। शॉर्ट सर्किट वजह नहीं पता कैसे लगा। आप ही का दुकान था? नहीं भैया का, भैया का दुकान। क्या चीज़? होम अप्लायंस का दुकान था। देख सकते हैं जिनके चूँकि दुकानों में आग लगी है तो वाजिब है इनके अभी इस वक्त जो है कुछ दुकानें से इनकार कर रहे हैं। आप ही लोगों का दुकान था, कितना रुपये का नुकसान मानते हैं आप लोग? हम लोग का नहीं था। क्या सब सामान था हम लोग का नहीं पता भैया। आप लोग आग बुझाने में हैं? तो देखिए इस वक्त भी जो है आग बुझाने का कार्य जारी है। सारे सामान जो है जलकर पूरी तरीके से राख हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और अभी भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर लोग जो है जमा है। भैया आप ही का दुकान था? क्या चीज़ का दुकान था भैया? प्लास्टिक का दुकान था और होम अप्लायंस का, 1 करोड़ रुपया का लगभग। हाँ क्या मांग करेंगे, कुछ सहायता आप लोगों को की जानी चाहिए? कितना जल्दी आग पाया गया? आया प्रशासन को फ़ोन किए तो प्रशासन आया, आग को काबू पाया। तब तक प्लास्टिक का चीज़ था, वो तो पेट्रोल की तरह आग लगता है प्लास्टिक में, पूरा लग गया और पूरा फैल गया। कितने दुकानों में आग लगी है? 4 दुकान में आग लगी है। कितना बड़ा हादसा हो सकता था? गैस लीक सुनते हैं? नहीं गैस उस नहीं था। आग की वजह अचानक नहीं है, आदमी पे प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, पूरा निकाल रहे थे दुकान से, फेंक करके दिया है। खुल चुका था दुकान? नहीं दुकान खोल रहे थे हम लोग। अच्छा, दुकान खोल रहे थे 8:10 का समय था, खोल रहे थे दुकान, सामान बाहर निकाल रहे थे, उसी में अचानक से आग लगी। अचानक नहीं, आदमी आग फेंका है। एक दुकान में आग लगने से सभी आग सिटी प्लास्टिक सेंटर में आग लगने से सभी दुकान में फैल गया। किसी लोगों की हताहत? कोई लोग हताश नहीं हुए। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम संजय उरांव हुआ। तो संजय जी हैं, देखिए बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक दुकान में आग लगी और उसके बाद जो है दूसरे दुकानों में आग लगती चली गई और लगभग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से 1-2-3-4 दुकानों को आग ने अपने चपेटे में लिया है और इस वक्त भी आग बुझाने का कार्य जारी है। लाखों करोड़ों रुपये की बात कही जा रही है कि करोड़ों रुपये के सामान का नुकसान हुआ है। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बगल में एक दुकान मिठाई का दुकान था और ये और भी एक डेयरी की दुकान है, वहाँ भी आग लग सकते थे। कई सारी दमकल की गाड़ियाँ हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त भी यहाँ पर जो है क्या आप लोग दुकान खोल चुके थे दुकान? हाँ दुकान खोल रहा था। क्या देखे फिर, किसी को लोगों को परेशानी? लोगों को परेशानी नहीं हुई, लोग कोई चपेट में नहीं आए? नहीं, सामानों का नुकसान हुआ है? बस सामान का नुकसान। आप लोग किस दुकान में आ गए? बस ये दुकान में लगा, बस ऊपर में लगा। हाँ आप लोग बाहर निकल गए? हम लोग बाहर निकल गए, आ गए थे उसमें आप लोग। हाँ क्या नाम हुआ? अभिषेक गोस्वामी।
देखिए तो दुकान जो जितने लगातार एक से एक दुकान है, क्या कहिएगा भैया, कितना बड़ा हादसा हो सकता था? तो बहुत बड़ा हो सकता था। खोल चुके थे आप? हाँ, दुकान खोल चुके थे। सारा गैस चूल्हा का काम करते हैं हम लोग तो सर, घी बनाते तो हम लोग बड़ा गैस रखते हैं, हम लोग तो दिक्कत होता है, गैस निकाल के बाहर रखना पड़ा हम लोग को, सब सामान सब बाहर निकालना पड़ा। अब फिर पूछ गया, लेकिन आग पर काबू तुरंत पा लिया गया। सामान तो उधर, हाँ सामान तो टोटल बर्बाद हो गया वहाँ का, तीन दुकान का, करोड़ों रुपया का नुकसान। हाँ, तीन दुकान का सामान बर्बाद हो गया। और भी तेजी से फैल सकता था? हाँ, और फैल सकता था, फैल चुका था वो, यहाँ तक आ चुका है। तो इस दुकान में आने में क्या, सब झोपड़ी वाला दुकान था, एक मालिक का दुकान सब है, घी का दुकान है सर। और तेजी से फैल, हाँ इसीलिए तो सब सामान सब हटा दिया। हाँ हाँ, दुकान खोल दिया। चाची का दुकान था? चाची का दुकान था, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का, प्लास्टिक सिलेंडर। कितना का नुकसान हुआ? अभी का दुकान था? हाँ, हम यहाँ का स्टाफ है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो हमको एवरेज नहीं पता भैया। क्या सब सामान था? प्लास्टिक सिलेंडर वगैरह सब जल गया। हाँ, सब प्लास्टिक, पूरा तीन चार वो पूरा दुकान था, पूरा। हाँ, दुर्गा पूजा का सामान। क्या नाम इधर का है? सब इधर है, गैस सिलेंडर का है, सभी दुकान मिला हुआ था। हम लोग का यहाँ पे पानी डिलीवरी होता था, हम लोग का यहाँ पे पानी, हाँ ऑल राउंडर हम लोग डिलीवरी करते थे 1 किलोमीटर के अंदर में। कितना जल्दी आया आज दुकान के लिए? कितना जल्दी आया? वही एक, हाँ आधा घंटा पौन घंटा जैसा आ गया, 1 घंटा में। हाँ, अभी भी आग लगा हुआ है? अभी भी धुआं जो है? हाँ, अभी भी आग है, आग बुझानी, अभी आग लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। किसी दुकान में आप तो आ रहे नहीं? आग अभी नहीं दुकान में। कितना दुकान के सपोर्ट में आ गया? जितना मन भर इतनी सामने जितना आई हो आ रहा है, जितने सामने वही आ रहा है। तो देख रहे हैं तस्वीरें, हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची की, दुर्गा पूजा का समय है और एक बड़ी जो है दुर्घटना आग लगने की सामने आई है। हालांकि बहुत जल्द जो है आग पर काबू पाया गया है और इस वक्त भी जो है कई सारी दमकल की गाड़ियां यहां पर लगाकर आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।